पिछले 72 घंटों में हिजबुल्ला लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल को दहलाने का दावा किया। इस बार हिजबुल्ला फाइटर्स ने इसराइल के सैन्य ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। वहीं वेस्ट बैंक में जोरदार हमला कर रहे इसराइल ने हमास और हिजबुल्ला लड़ाकों के पास ईरानी हथियार मिलने का दावा किया है। तो क्या ईरान भी हिजबुल्ला की तरह युद्ध में आ गया है? देखिए रिपोर्ट। इसराइल हमास युद्ध में हिजबुल्ला खुल्लम खुल्ला हमले कर रहा है। हूथी फाइटर चुनौती देकर नेतन्याहू से टकरा रहे हैं, लेकिन अब हमास इसराइल के टकराव में ईरान की एंट्री हो चुकी है। यानी जिसका डर था वो युद्ध अब शुरू होगा। ईरान की मिसाइलों का सीधा मुकाबला नेतन्याहू के जंगी जेट करेंगे। ईरान के हथियारों को गाजा और वेस्ट बैंक में हमास फाइटर धुआंधार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका दावा इसराइल ने किया है कि ईरान के हथियारों के इस्तेमाल के मायने साफ हैं कि ईरान सीधे तौर पर युद्ध में आ चुका है। यानी अब युद्ध इसराइल वर्सेस हमास, हिजबुल्ला, हूथी और ईरान हो चुका है। ईरान इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए गाजा में दाखिल होगा या नहीं, अभी ये साफ नहीं है। मगर इसराइल को कई फ्रंट पर घेरने का काम नहीं प्लान शुरू कर चुके हैं, जिसमें ईरान को जॉर्डन का पूरा साथ मिलने जा रहा है। वेस्ट बैंक में इसराइल के हमले के बाद जॉर्डन भड़क गया है। वजह, इसराइल के हमले के बाद भारी संख्या में लोगों का जॉर्डन में घुसपैठ। जॉर्डन बॉर्डर पर अफरा तफरी मचने के बाद किंग अब्दुल्ला ने आईडीएफ को वार्निंग दी है। लेकिन इसराइल किसी भी हाल में हमले बंद करने के मूड में नहीं। हमास को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है इसराइल। आसमानी धमाके से दुश्मन की धज्जियां उड़ा रहे हैं नेतन्याहू के सोल्जर। अचूक हमले से बचने के लिए हमास फाइटर को कोई ठौर नहीं मिल रही है। हमास के गढ़ जेनिन में हुए हमले का ये वीडियो है। इजरायली सेना जेनिन के फ्लैश पॉइंट में हमास के लोकल कमांडर को एयर स्ट्राइक कर मार गिरा। एयर स्ट्राइक बख्तरबंद गाड़ी में सवार दो हमास लड़ाकों की सफाई के लिए की गई। हालांकि इजरायली ड्रोन के अटैक की भनक हमास लड़ाकों को लग गई थी, जिसके बाद दोनों फाइटर बख्तरबंद गाड़ी छोड़ जेनिन की गलियों में दौड़ लगाने लगे। मगर ये भाग दौड़ कुछ ही सेकंड बाद खत्म हो गई, जब ड्रोन से दागी गई मिसाइल ने हमास के दोनों लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स भी हमास फाइटर पर सटीक हमले अंजाम दे रही है। हमास लड़ाकों के खात्मे के ऑपरेशन को आईडीएफ कमांडो अब हेलमेट कैमरे में भी कैप्चर कर रहे हैं। ये वीडियो आईडीएफ कमांडो के हेलमेट में लगे कैमरे से ली गई है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में चल रहे ऑपरेशन का ब्यौरा इस वीडियो के साथ रिलीज किया है, जिसमें इजरायली बॉर्डर पुलिस के जवान हेलीकॉप्टर, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों के तुल करम, जेनिन और जॉर्डन घाटी में छापामार युद्ध को दिखाया गया है। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान के वेस्ट बैंक में हमास और हिजबुल्ला लड़ाकों को बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई कर मदद पहुंचा रहा है। इजरायली एयरफोर्स के हवाई हमले सबसे ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। वेस्ट बैंक में दौड़ती गाड़ी को मिसाइल धमाके से उड़ाकर इजरायल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस जलती हुई गाड़ी में हमास के टॉप कमांडर के साथ चार फाइटर को इसराइल ने ढेर करने का दावा किया है। आईडीएफ के हवाई हमले के बाद गाड़ी आग में जलकर राख हो गई। हमास लड़ाके इस आग में भुनकर खाक में मिल गए। हमास लड़ाकों को इसराइल ने ऐसी भयानक मौत दी जिसे देखने वालों की रूह कांप गई। शेनन और वेस्ट बैंक जैसा हाहाकार हमास के हर ठिकाने पर दिखाई दे रहा है। तुल करम को रौंद रहे हैं इसराइल के टैंक, बख्तरबंद काफिले। हमास के गढ़ में इजरायली फोर्स की एंट्री होते ही सारा इलाका धुआं धुआं हो रहा है।
बारूद अटैक के बाद पहुंच रही आईडीएफ पलटन के साथ एम्बुलेंस यहां शवों का ढेर समेटने साथ साथ पहुंचती हैं। उधर खान यूनुस में इसराइल ने फिलिस्तीनी नागरिकों को वापस लौट आने की इजाजत दे दी है।